अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट पे और यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:43। मैं रात से सोई नहीं हूँ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज कौन आया है इंशाल्लाह। अब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो रीम ने ये लिखा है। बताओ क्या लिखा है रीम आपने? तो पाकिस्तान से आ चुकी हैं मेरी अम्मी और हम लोग सुबह तक थक गए थे कि जब उनको लिया तब जो है वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एयरपोर्ट में अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही उन्होंने वेटिंग के लिए खड़ा किया हुआ था कि आप लोग बाहर वेट करें। तो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग बाहर वेट करते करते बस उसके बाद जब वो आई तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, खुशी से मिलने शुरू हो गए। उसके बाद जो है और पाकिस्तान से जो चीज़ें आती हैं उनके आने का अपना ही मज़ा होता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज क्या क्या है हमारे लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सब ने तो प्यार से चीज़ें भिजवाई हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब क्या क्या है। वो जो सबसे पहले चीज़ आई है वो मैं बच्चों को दिखाऊँगी क्योंकि बच्चों की जो चीज़ें आई हैं मुझे बहुत 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 प्यारी लगी हैं और ये मतलब अबू और अम्मी ने बहुत दिल से लेके आए हैं तो सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगी। तो वो यहाँ पर है, सबसे पहले जो है वो रामिस का कुर्ता है, बहुत ही हसीन ग्रीन कलर का है, एप्पल ग्रीन है। और ये इसके साथ इसका वाइट कलर का ट्राउज़र है, ये मैं जब मेहंदी होगी ना तब इंशाल्लाह इसको बनाऊँगी रामिस को। और दूसरा है ये ब्राउन कलर में, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और फिर उसके बाद है इसमें रीम का ड्रेस, नाजुक सी लड़की का नाजुक नाजुक सा प्यारा सा ड्रेस है। ये है रीम का ड्रेस, एक सेकेंड, ये रहा। और इसके साथ ये लगा हुआ है इसके साथ। और फिर इसके साथ है इसकी टाइट्स कहाँ ली, और फिर इसके साथ हैं ये वाली टाइट्स, और फिर इसके साथ आई हैं मैचिंग की चूड़ियाँ, देखिए कितनी हसीन लग रही हैं। और एक जो है इसकी नॉर्मल चूड़ियाँ आई हैं वो ये रही, देख रहे कितनी खूबसूरत है कलर की, तो मेरा दिल कर रहा है मैं पहनूँ लेकिन मेरे हाथ में आएंगी। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ये सेकंड गिफ्ट है, मतलब ये जो जो पहले मैंने कपड़े दिखाए हैं बच्चों के और ये जो है और कुछ चीज़ें और हैं वो अम्मी अब्बू ने अपनी तरफ से भिजवाई हैं। इसमें है ये परफ्यूम जिसकी खुशबू बेइंतहा हसीन खुशबू, बेइंतहा हसीन खुशबू, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा इसमें जो है वो है ये, हाथ से वीडियो बनाना चीज़ों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा इसमें बालियाँ, देखिए कितनी हसीन है, मतलब बहुत खूबसूरत। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, इतना लाइट वेट है इसका, इतना ज़्यादा कि आप इजली इसको जो है ना पहन सकते हो, कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो वैसे मैं पहनती नहीं, तो जब मैं पहनती तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और क्या आया है। और ये सैंडल आई है मेरे हस्बैंड की, और साथ में ये बच्चों का सामान आया है, केक है, बिस्किट है, और ये रीम की चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो है वो रीम खोल चुकी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे हसीन चीज़ जो मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा है गिफ्ट, और वो मेरी भिजवाया है सिस्टर ने, मेरी अप्पी ने भिजवाया है स्पेशली उनको हम लोग अप्पी। ये बस अब वो मैं आपको दिखा, और ये रहा वो गिफ्ट जो कि बेइंतहा खूबसूरत है, और ये उन्होंने अमेरिका से भिजवाया, वो असल में आई हुई थी पाकिस्तान तो उन्होंने अम्मी के हाथ में भिजवाया है। तो
ओ ये हम लोग खोलते हैं इसको, और इसमें दो चीज़ें और भी हैं जो कि वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहाँ गया? एक तो है इसमें हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक, और इसका कलर भी बहुत अच्छा जो मेरे हाथ के साइड में नज़र भी है। सबसे पहले आते ही मैंने चेक किया था। और दूसरा है, छोड़ दो वो, ये छोटे छोटे टॉप्स हैं। एक तो मैंने इसका पहन के देखा था कैसा लग रहा है, तो वो ये है। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। और साथ में जो है उन्होंने भिजवाए मेरे हस्बैंड, और साथ में जो उन्होंने भिजवाए हैं मेरे हस्बैंड के लिए शूज़। वैसे ही उनको शूज़ का क्रेज़ है, और ऊपर से ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे शूज़ हैं। और दूसरी साइड पे भिजवाया मेरी भाभी ने बैग, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बोल रही थी आज मेरे पास दो दो बैग हो गए, और वो बैग ये था। ये बैग भी बहुत प्यारा है, और इसके अंदर भी एक सरप्राइज़ है। और इसके अंदर है आई शेडो। इसको अब हम लोग ओपन करेंगे। एक हाथ से वीडियो बनाना और चीज़ें दिखाना बहुत मुश्किल है। इसको ओपन करेंगे अब। बहुत ही हसीन है ये जी। बोले तो अब जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रोटी का कपड़ा मंगवाया था मैंने, अपना केक का सामान मंगवाया, वो मैं दिखा नहीं सकती इसलिए क्योंकि वो पैक है अभी तक। और जिसमें हलीम का डब्बा मैंने एक मंगवाया था, और एक ये है मेरी सिस्टर ने मंगवाया। ये देखिए, ये मेरी सिस्टर का है, बहुत प्यारा है। इसके साथ ये सेट है। अब मैं सोच रही हूँ कि काश मैं भी इस तरह का मंगवा ही लेती हूँ। और ये इसके एयररिंग्स हैं, और ये जो है ये इसकी बिंदी है। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होती है कुछ टाइम बाद खाने के टाइम। तो ये है सारा बैग जो है ना केक के सामान का। जब मैं पाकिस्तान में गई हुई थी तो मैंने केक की जो है वो क्लासेस ली थी, तो ये सारा सामान रखा हुआ। लेकिन मैं अभी इसको खोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको खोला तो मुझे बहुत मुश्किल से जो है ना इसको सामान लगा होगा, सब चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये पूरा बैग है जब मैं किचन में जगह बना के उसके बाद, और उसके बाद मेरे ड्रेस आए जो मैंने शादी के लिए मंगवाए, लेकिन वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी। वो जब मैं इंशाल्लाह पहनूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या लेते हैं, तो जाके आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या लेंगे। तो इतना सोचने के बाद हम लोग लेके आए रस बुखारी। अब आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद मुझे बेटे बहुत बेचैनगी हो रही थी अपना सामान देखने के, कि कुछ कलर्स जो हैं इसमें गिर गए भी हैं। ये मैंने बहुत शौक से सारी चीज़ें बहुत शौक से ले ली। ठीक है, तो अच्छा है। ये मैंने लिया था 1050 रुपये का, सब चीज़ें वहाँ से। ये फ्लावर्स का बनाने के लिए लेके आई थी। इतनी खुशी होती है जब बच्चे सो रहे हों और आप अपने, स्पेशली रामी सो रहा है ना, तो मैं आराम से अपनी सब चीज़ें देख सक रही हूँ। इसमें क्या है? इसमें सारे मेरे टूल्स हैं, मुझे याद आया ये सारे टूल्स हैं थे सारे। और ये अल्फ़ाबेट का है, ये भी बहुत प्यारा सेट है। मतलब ये टोटल अच्छा खासा जो है ना। और ये भी मैंने अल्फ़ाबेट के लिए लिए थे, ये भी अल्फ़ाबेट के लिए लिए थे। आई थिंक याद नहीं मुझे कितने के लिए थे। और ये भी है, ये कैपिटल लेटर है, वो स्मॉल है। और क्या है इसमें, ये तो पतली कदड़ी लगी। और इसमें ये भी मैंने सेट किया था केक टूल्स, इसमें बहुत सारे। ये भी है यूनिकॉर्न के लिए, पता नहीं कहाँ से सीधा है, यहाँ ऐसे।
बहुत सारी चीज़ें, ये जब मैं सेट करूँगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें, और इसमें मशीन भी है, ये भी है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके नीचे ये बॉक्स है, इसमें भी चीज़ें हैं। इवन तक ये भी बहुत प्यारा था, ये ड्रेस का बना हुआ है। देखिए और क्या है इसके अंदर, इसमें जो है ये जो है फॉन्डेंट रखा हुआ है, ये दो डब्बे, और ये है, ये राइस पेपर है, ये राइस पेपर है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी है, इसमें कपकेक्स, कैंडल वगैरह बनी हुई है। और मज़े की बात ये कि मैंने अपने हाथ में भी कलर लगा दिया, देखिए। और वहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो के रखे। सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पर कि हमारे इसमें गैलरी है ही, तो बहुत मुश्किल से जो है ना कपड़े धो के, अभी ये लोड लगाया मैंने, जब ये सूखेंगे इनको इस्तरी करके फिर रखूँगी, फिर उसके बाद दूसरे धोंगी। और वहाँ पर लाइन से सारी, वो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, सारी वो सारी रामस की कार्ड्स रखी हुई हैं सारी। बड़ा सुकून होता है जब बच्चे सो रहे हो और आप आराम से बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, अपने सामान देख रहे हो, कोई तंग करने वाला ना हो। अपने फारिक टाइम में ड्रामा देखती हूँ तकदीर, और बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, आप लोग भी देखें। और फारिक टाइम में मैं खेलती लड्डू, बस उसके अलावा मैं क्योंकि मुझे रामिस खेलने नहीं देता, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये सामान का सब चीज़ें निकालेंगे। देखिए तो अभी पूरा खोला भी नहीं, ये सब कुछ है। अच्छा ये रोटी का कपड़ा भी मैंने मंगवाया था, और हलीम का एक डब्बा भी मैंने मंगवाया था, क्योंकि मुझे ईजी टू कुक नहीं मिल रही थी यहाँ से, हलीम का डब्बा, शान का, मुझे शान का बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बनाऊंगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल, और आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरा सब सामान कैसा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।